अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, तो उतना टाइम तो होता ही नहीं हमारे पास। तो हमने क्या करना है, यहां पे ट्रिक अप्लाई करना है, करना क्या, ऑप्शन की तरफ चले जाइए। जैसे पहला ऑप्शन है मेरा 12 और 6, इन दोनों नंबर को रेसिप्रोकल कर दो और प्लस करो, देखो 1/4 बनता है। अगर नहीं बनता तो जल्दी से नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चले जाओ, ऐसे सभी ऑप्शन को चेक कर लो, विद इन सेकंड्स हो जाता है। तो हो सकता है पहले ऑप्शन से ही आपका सही आंसर आ जाए, तो भाई वही हो गया। देखो अब मैं इनको रेसिप्रोकल कर रहा हूं, कर दिया रेसिप्रोकल। तो अगर आप किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहां पर मैथ्स का कुछ सिलेबस है, तो मेरे एंड से जितना हो सकेगा मैं आपको करवाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके मैथ्स का सिलेबस क्या है, तो मैं कोशिश करूंगा एक क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाऊं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। एज यू नो, JKSSB ने अभी अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, एग्जाम कंडक्ट करवाया था संडे को, 6 मार्च 2022। तो मैंने अपने एंड से उसमें जो मैथ्स के 10 क्वेश्चंस थे उनका आंसर की आपके साथ शेयर किया था, तो आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, बहुत से कैंडिडेट्स ने मेरी वीडियो को लाइक किया, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं 10 क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ कि उनका आंसर कैसे बन रहा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ कुछ कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि इसका आंसर ये कैसे हुआ सर, काइंडली सॉल्व करके बता दीजिए। तो मैं आज 10 के 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, और मेरे एंड से एक छोटा सा एरर है। एरर क्या है कि वो जो 10 क्वेश्चंस थे उसमें ये वाला क्वेश्चन था ना जो लिमिट का, इसका आंसर मेरा गलत चला गया, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। उसी को हम रेक्टिफाई करेंगे आज, और इसका हम करेक्ट आंसर भी देखेंगे और आंसर कैसे बनता है पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चंस। देखिए यहां पर ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, तो हमें इसको फाइंड करना है, ए माइनस बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये सेट चैप्टर से रिलेटेड है, मैंने क्लास 11th की वीडियोस बना रखी हैं, उसमें डिटेल में मैंने सेट पढ़ा रखा है, अगर आप सीखना चाहते हैं सेट तो वो वीडियो भी देख सकते हो। फिलहाल इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है मेरे बच्चे, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब हो गया आप इन दोनों सेट्स का डिफरेंस फाइंड कर रहे हो। तो इसको शॉर्टकट में आप कैसे समझे कि जो सेट आपका माइनस हो रहा है, जैसे बी सेट आपका माइनस हो रहा है, तो उसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं लिखा जाता ए माइनस बी में, यानी नॉट बी कर दिया उसने, तो भाई 1, 3, 5 नहीं लिखा जाएगा, ए के वो लिखे जाएंगे जो बच गए। यानी यहां पर देखो 1, 3, 5, तो 1 आप बिल्कुल नहीं लिख सकते, ए माइनस बी का जो सेट बनेगा इसमें आएगा 0, 2, 4। तो ये हमने ए माइनस बी को फाइंड कर लिया, ठीक है, इसमें बी का कोई भी एलिमेंट नहीं होता है क्योंकि नॉट बी। फिर इसके साथ आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए इंटरसेक्शन बी का, तो इंटरसेक्शन का मतलब यू हैव टू सिलेक्ट कॉमन एलिमेंट्स, तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आप इस सेट के अंदर लिख दीजिए। तो देखो कॉमन एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं सर, 1 तो दिख रहा है, और कोई दिख रहा है सर 0, सर 2, 4, कुछ भी नहीं दिख रहा, जो कॉमन दिख रहा है वो लिखना है, और तो कॉमन आ गया हमारे पास सिर्फ 1। तो ए माइनस बी और इंटरसेक्शन, इनमें ये आ गया पूरा दोनों सेट्स। अब आगे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि जो फर्स्ट सेट होता है उसके सभी एलिमेंट सेकंड सेट के साथ अपनी पेयरिंग बनाते हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स बनते जाते हैं। तो 0 बनाएगा 1 के साथ, एक पेयर ये बन गया, ठीक है, और आपका फिर 2 बनाएगा 1 के साथ, है ना, सेकंड सेट के पास तो कोई और एलिमेंट है ही नहीं, खाली 1 ही है, तो 1 ही पेयर बनाता रहेगा। उसके बाद 4 के साथ 1 आ गया, दैट्स ऑल, दिस इज द राइट ऑप्शन। आपके पास जो इसका आंसर है दैट इज द ए पार्ट। देखो जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो वहां पे सी और डी तो वैसे एलिमिनेट हो गए, सी और डी तो आना ही नहीं क्योंकि उसमें 0, 1 वाला पेयर है ही नहीं है सी डी में, तो आपका ऑप्शन ए और बी में ही फिट बैठता है, तो ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर से रिलेटेड है ये, क्लास 12th में हम पढ़ते हैं 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बट JKSSB ने जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ए और सी दोनों ऑप्शन सेम है, 2, 2, ठीक है। अब इसको मैं यहां सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि JKSSB के द्वारा इसमें एरर है, दोनों ऑप्शन सेम है, तो आपको इसका ग्रेस मार्क्स 101% मिल जाएगा, ठीक है, अगर ये 1 मार्क का ये तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा, या फिर इसको डिलीट कर दिया जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री अभी मेरा चैप्टर आने वाला है क्लास 12th के लिए, तो अगर आप सीखना चाहते हो 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री डिटेल में क्या कॉन्सेप्ट रहता है तो वो आप उस वीडियो में सीख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको मार्क्स मिल गए इसके, आप ऐसा समझो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 83, ठीक है, यहां मैंने थर्ड नंबर पर लिखा है।
लिमिट से रिलेटेड है, यहां पर इसका आंसर वन है। वन कैसे बनेगा वो ध्यान से देखो, दो ऑप्शन है हमारे पास। एक इसको बड़े सिंपल वे में आपको समझा देता हूं, क्लास 9th, 7th, 8th में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a माइनस बी का होल स्केयर, क्या होता है वो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, वो आइडेंटिटी यहां पर बन जाएगी। और फिर एक लिमिट का छोटा सा फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल लिमिट का, वो फॉर्मूला आना चाहिए, तो आंसर आ गया, ठीक है। और दूसरा तरीका एक और है डिफरेंशिएशन की हेल्प से, तो दोनों तरीके से हम करेंगे। देखो यहां पे ये जो पावर माइनस दिख रहा है ना आपको, e का पावर माइनस एक्स, इसको प्लस बना दीजिए, तो प्लस कैसे बनेगा, इसको आपको डिवाइड में लेके आना है, ठीक है। और बाकी कुछ भी नहीं करना, वन बाई जो डिवाइड में एक्स स्क्वायर है इसको साइड में लिख लो, ऐसे होल अपॉन भी लिख सकते हो, साइड में लिख दो, एक ही बात है। अब यहां पे ये जो आप डिवाइड में e रेस्ट टू पावर एक्स लेके आए हैं, इनके डिवाइड में वन वन है, इन सब का एलसीएम ले लीजिए, तो आपका एलसीएम आ गया e रेस्ट टू पावर एक्स, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, आई होप आप एलसीएम ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा ई एक्स का होल स्केयर, ई एक्स इंटू एक्स, ई एक्स का होल स्केयर। और यहां पर आ गया आपके प्लस वन माइनस टू, ये इसके साथ भी इंटू हो जाएगा टू के साथ, तो इट इज ई रेस्ट टू पावर एक्स, ठीक है। इट इज लाइक दिस, दो ही स्टेप से आप यहां पर देखें इस न्यूमिनेटर पार्ट में, ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है, इसको आप ए कंसिडर करो ई एक्स को और वन को बोलो बी, तो ये बन गया आपका ए स्केयर प्लस बी स्केयर, वन के ऊपर आप स्केयर लिख सकते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इट इज माइनस टू ए बी इंटू वन, तो हो ही रहा है इसके साथ, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी बन चुका है, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप अभी इसको क्या लिख लेंगे, ए माइनस बी का होल स्केयर, यानी ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन का होल स्केयर, ठीक है। और डिवाइड में आपका चल रहा है ई रेस टू पावर एक्स, और यहां पर आपके पास है एक्स स्केयर। अब ये जो ई रेस टू पावर एक्स है ना, इसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपकी लिमिट क्या जीरो है, तो जब आप इसमें जीरो डालेंगे तो एनीथिंग रेस टू पावर जीरो वन हो जाएगा, तो ये वैसे ही वन हो जाएगा। और ये दो जो दोनों परफेक्ट आपको दिख रहे हैं, होल स्केयर है इनके ऊपर, इनका स्केयर आप कंबाइन कर दो, तो आपका जो लिमिट का फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल वाला वो बन गया है। यहां पर इसको मैं हटा रहा हूं, ई रेस टू पावर एक्स, इसको हटा दो, ये वन हो चुका है, क्योंकि यहां पर एक्स आप जीरो डालो, ये वन हो गया, तो जो पीछे पोर्शन आपका बच रहा है ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स का होल स्केयर, तो मेरे बच्चे ये फॉर्मूला ही होता है एक्सपोनेंशियल लिमिट का, तो इसका आंसर वैसे ही वन होता है जब एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा होता है, तो इट इज वन का स्केयर, दैट इज वन, तो वन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने माइनस वन डाल दिया था, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, तो आप इसका देखें वन आएगा, ठीक है। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84, यहां पर फोर्थ नंबर पर, यहां पर आपको ये दोनों सेट्स इक्वल गिवन है, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी दो सेट्स हैं उनका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों सेम आ रहे हैं। तो बच्चे ये तभी होता है जब यहां पर ये दोनों सेट्स हमारे इक्वल हों, एक्स इज इक्वल टू वाई रहेगा। तो यहां पर ऑप्शंस हैं कि एक्स क्या नल सेट हो सकता है, वाई नल सेट हो सकता है, एक्स उसका सबसेट हो सकता है, नो, आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डी पार्ट के लिए एग्जाम्पल सेट करता हूं आपको समझाने के लिए, कि मैंने एक सेट लिया एक्स जिसमें एलिमेंट रखे मैंने 1, 2, और दूसरा सेट मैंने लिया वाई इसमें एलिमेंट रखे 1, 2, 3। डी वाला पार्ट मैंने इसके मैच करवाया कि एक्स जो है वो वाई का सबसेट है, दिख रहा आपको, एक्स जो है वाई का सबसेट है, ठीक है। अब मैं जब इनका यूनियन करूंगा, जब मैं इनका यूनियन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1, 2, 3। यूनियन में हम सभी एलिमेंट्स लिख लेते हैं टोटल, ठीक है, जो रिपीट होता है उसको एक बार लिखते हैं, लिख दिया यूनियन। लेकिन जब मैं इनका इंटरसेक्शन करूंगा तो जो सबसेट होता है वही एलिमेंट, वही सेट बनता है। तो देखो 1, 2, 3 और 1, 2 में कॉमन क्या है, 1, 2। तो क्या यहां पे यूनियन और इंटरसेक्शन सेम आ रहे हैं, नो। तो इसका मतलब जो एक्स है वो वाई का सबसेट नहीं हो सकता, अगर आप इनको इक्वल बताना चाहते हो, ठीक। ऐसे ही आप ए और बी पार्ट में भी एक सेट को नल सेट कर रख के देखो, दूसरे को नॉन एम्प्टी रख के देखो, ऑप्शन नहीं बैठेगा, ये कंडीशन नहीं बनेगी। तो दोनों यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल कब होते हैं, जब वो दोनों सेट जिनका आप यूनियन और इंटरसेक्शन कर रहे हो वो दोनों सेट जब इक्वल हो, बस इसे याद रखना है, प्रॉपर्टी एक तरह से ये, ठीक है, इसमें कोई ऐसी खास कैलकुलेशन नहीं है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेट। तो एक्स इज इक्वल टू वाई इज द राइट ऑप्शन, इसमें था आपका सी पार्ट। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, एनसीआरटी अगर आप पढ़ोगे तो चैप्टर नंबर 7 है ये, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लास 11th की एनसीआरटी, ठीक है।
तो एट स्टूडेंट्स ऑन एट चेयर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन वी डू दिस? आठ बच्चों को आठ कुर्सियों पर बिठाना है, एट चेयर्स पर बिठाना है। तो बच्चे मेरे, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है NPR, ये फॉर्मूला यहां पर आपका लगता है, ठीक है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, बट उसमें फैक्टोरियल में आने की जरूरत नहीं, उसने ऑप्शन ही पी की फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट्स का हम परमुटेशन कर रहे हैं आर प्लेसेस पर, तो यहां पर एट स्टूडेंट्स उतनी ही चेयर्स हैं, तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज 8P8। आगे इसको कैलकुलेट नहीं करना, यही इसका आंसर है। तो यहां पर इसका सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। बाकी यार परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिटेल में सीखना पड़ता है कि सर ये क्या चीज है, कहां से कैसे आ रहा है, ठीक है ना, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है, टाइमली। चलिए ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी वैसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, रीजन यार इसका भी दो ऑप्शन सेम है, आप देखेंगे सी और डी दोनों ऑप्शन सेम है, एम नॉट इक्वल टू 6 एंड एम नॉट इक्वल टू 6, दोनों ऑप्शन सेम है, इसका भी आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाना चाहिए JKSSB के द्वारा, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसमें जीरो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, ऐसा आप इसको सोच सकते हैं। तो क्लास 10th से रिलेटेड है ये, 10th क्लास का जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर है मैंने पढ़ा रखा है अपने इसी चैनल पर, वहां पर आप डिटेल में पूरा लीनियर इक्वेशन सीख सकते हो। तो वहां पर एक कंडीशन रहती है जीरो सॉल्यूशन की या नो सॉल्यूशन की, वो होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2। नो सॉल्यूशन की एक कंडीशन होती है, यानी लाइन से पैरल होती है हमारी उसमें, ठीक है। तो बस ये कंडीशन लगा के आपको यहां से m का वैल्यू निकालना है, बड़े आराम से निकल जाएगा, और इसमें सी या डी में से कोई भी ऑप्शन आपका आ जाएगा, m नॉट इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। तो ये हो गए बच्चे 6 क्वेश्चंस। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बार हम इसको लेंथी भी कर देते हैं, लेंथी नहीं करना, आप MCQ अटेम्प्ट कर रहे हो, टाइम भी आपके पास कम है, मैं इसका शॉर्टकट आपको सिखाता हूं। वैसे अगर लेंथी प्रोसेस से करना हो तो ये चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हम क्लास 10th को सिखाते हैं, ठीक है, उसमें से ये क्वेश्चन आ रखा है। तो यहां पर इसका आपको ट्रिक क्या समझना है, देखो हमें कंडीशन है सम ऑफ टू नंबर इज 18, दो नंबर है उनका सम 18 है, वो दो नंबर आपको ढूंढने हैं, साथ में उसकी दूसरी कंडीशन भी दे रखी है। अब वो जो दो नंबर है जिनका सम 18 है, तो आप नोटिस करें जितने भी ऑप्शंस आपके पास हैं, 12, 6, 8, 8 और 10, 9 और 9 और 11 और 7, सबका सम 18 ही बन रहा है, राइट। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि उन्हीं दोनों नंबर्स को रेसिप्रोकल करने से 1/4 आना चाहिए। अगर आपके दो नंबर हैं, एक एक्स है दूसरा वाई है, इनका सम 18 है, ठीक है, ये तो सारे ऑप्शन कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन है यार इनका रेसिप्रोकल करने पर आपका 1/4 आना चाहिए। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, तो उतना टाइम तो होता ही नहीं हमारे पास। तो हमने क्या करना है, यहां पे ट्रिक अप्लाई करना है, करना क्या, ऑप्शन की तरफ चले जाइए। जैसे पहला ऑप्शन है मेरा 12 और 6, इन दोनों नंबर को रेसिप्रोकल कर दो और प्लस करो, देखो 1/4 बनता है। अगर नहीं बनता तो जल्दी से नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चले जाओ, ऐसे सभी ऑप्शन को चेक कर लो, विद इन सेकेंड्स हो जाता है। तो हो सकता है पहले ऑप्शन से ही आपका सही आंसर आ जाए, तो भाई वही हो गया। देखो अब मैं इनको रेसिप्रोकल कर रहा हूं, कर दिया रेसिप्रोकल, करो अब इनको प्लस। सर जी 12 और 6 का एलसीएम 12 आ गया, सर ऊपर 1, सर यहां पे 2 आएगा, सर जी 3/12, सर कैंसिल किया 1/4। अरे पहले ऑप्शन में बात बन गई। तो ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। तो यहां पर इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा और कुछ नहीं होगा, बट यहां पर थोड़ा सा हमें ऐसा ट्रिक भी अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएं, 10 8 है, जहां फिर 9 को चेक करते हैं, सी पार्ट को चेक करते हैं, 9 सम तो इनका 18 बन रहा है, देखो रेसिप्रोकल करते हैं, 1/9 1/9, हमने इनको प्लस करना है, सर जी 9 एलसीएम आ गया, सर ऊपर 1+1 इट इज 2/9, नहीं ना बना 1/4, 2/9 आ रहा है, तो इसका मतलब सी पार्ट नहीं आंसर। ऐसे बाकी जो तीन पार्ट आप करके देखो नहीं आएगा 1/4, तो ए पार्ट ही इसका आंसर बैठ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ही ट्रिक से करेंगे तो जल्दी आएगा आंसर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट इज रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत सिंपल है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। 8th क्लास में हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+R/100 n हो गया नंबर ऑफ टाइम जितनी बार भी इंटरेस्ट लगा। यहां पर बड़ा ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसने क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है। यहां पे आपके पास जो
प्रिंसिपल है इट इज 1200, ठीक है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो उसका 100 हमने पहले लिख लेना है, और 2 ईयर्स, बस इसको आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट आ जाएगा उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, बस आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। देखो जैसे 1200 इसको कैंसिल वैंसिल किया, सर आ गया 1 + 0.1 power 2, सर 1200 से आ गया 1.1 power 2, इसको आप यहीं रखो, कैलकुलेशन अभी करने की जरूरत नहीं, ये आपने अमाउंट निकाल लिया, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई कितना इंटरेस्ट मिला आपको, सर जितना अमाउंट था उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, अमाउंट ये आ गया आपके पास 1200, ठीक है, इंटू 1.1 का स्क्वायर, प्रिंसिपल आपका था 1200, बस इसकी कैलकुलेशन करनी, 1200 आप बाहर आने दो, 1.1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो 1200, देखो 1.1 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो आएगा 1.21, ठीक है, माइनस 1, तो 1200 मल्टीप्लाई, इसको माइनस करेंगे इट इज 0.21, थोड़ी और कैलकुलेशन करने दो, इसका डेसिमल हटाओ, 21/100, सर ये कैंसिल हो गया भाई, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 12 और 21 को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा दैट इज द राइट ऑप्शन, और इसमें है आपका सी पार, ठीक है, कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना, अमाउंट आएगा फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। आई होप इट इज क्लियर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9th, ये भी बहुत सिंपल है, वेक्टर चैप्टर से है, बट इसको मैं सिंपल वे में आपको समझा देता हूं। आपको इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, मानो ये ट्राइंगल आपकी एबीसी, तो आपको एबी लेंथ, बीसी लेंथ और एसी लेंथ चाहिए, ठीक है, और इनको प्लस करना है, पेरीमीटर आ जाएगा। आपको ए बी और सी तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर पता है, ठीक है, तो इनको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो जैसे इसका है 2i + 4j - k, और बी है इसका 4i + 5j + k, सी का पोजीशन वेक्टर आपके पास आ गया 3i + 6j - k। वैसे डिटेल में करना हो तो ए बी वैक्टर बनाओ, फिर उसका मैग्नीट्यूड करो, है ना, वो चीजें हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, जैसे ए बी वैक्टर का हम मैग्नीट्यूड डायरेक्ट करेंगे। तो बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। क्लास 11th में एनसीईआरटी में आप देखोगे एक चैप्टर है 3 dimensional ज्योमेट्री, उसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं। क्लास 10th में भी करते हैं, वहां 2 coordinates होते हैं, 3D में 3 coordinates आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर 3-3 जो coordinates हैं, इन्हीं से आपको इनका लेंथ फाइंड कर लेना है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। कैसे होएगा, देखो मानो AB का लेंथ निकालना है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट, दोनों को माइनस करना है, स्केयर करना है। देखो 4 में से 2, 2 का स्केयर इज 4, लाइक दिस। यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, 5 में से 4, 1, 1 का स्केयर इज 1, 1, यहां पर -1, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है, 1 + 1, 2 हो गया, 2 का स्केयर इज 4, तो ये बचे आएगा √9 is 3, इसका लेंथ बचे 3। बस ऐसे इसका लेंथ फाइंड कर लेना BC का। कैन यू टेल मी द बीसी का मैग्नीट्यूड, सर 4 में से 3, 1, 1, 5 में से 6, sir, 1, 1 का स्केयर 1, सर 1 - 1 + 2, 2 का स्केयर इज 4, यह आया आपका √6। ऐसे आप AC का लेंथ निकाल लेंगे, AC का लेंथ क्या निकलेगा, सर 2, 3, 1, 1 का स्केयर इज 1, सर 4, 6, 2, 2 का स्केयर इज 4, सर -1 ये कैंसिल हो गया, सर यहाँ पे 0 आ गया, तो ये आपके पास बन रहा है √5। तो भाई तीनों जो साइड्स हैं उनका लेंथ आपने फाइंड कर लिया, तो जब लेंथ फाइंड कर लिए तो पेरीमीटर क्या होगा, इन तीनों का सम, तो देख लो कहां पर लिखा हुआ है 3 + √6 + √5, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, एंड इट इज सी पार्ट। दैट्स ऑल। अनदर क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक है, मेरे पास जो है सेट डी 90 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th हमारा यहां पर। तो लास्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इट इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की पूरी डिटेल, कॉइंस, कार्ड्स, डाइस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। क्लास 10th प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको प्रोबेबिलिटी पूरा डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप सीख सकते हो पूरा प्रोबेबिलिटी। वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहां पर 3 coins को टॉस किया गया है, तो जब आप 3 coins को टॉस करते हैं तो उसके जो आउटकम्स होते हैं वो इस तरह से बनते हैं। 3 head हो गए, फिर 2 head वाले बनाते हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर आप एक, फिर आ गया TH TT TH, और लास्ट में आ गया नो टेल। देखो इसमें 8 outcomes है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 3 head 1 time 2 head 2 time 1 head 3 time, ठीक है, देखो 3 head 1 time 2 head 3 time
वन हेड थ्री टाइम एंड नो हेड वन टाइम, ऐसे टेल के साथ होता है जो मैंने हेड के लिए बताया। तो दीज आर द एट आउटकम्स फॉर थ्री कॉइंस। एंड उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू हेड्स, इसका मीनिंग समझे आप। एट मोस्ट टू हेड्स, बच्चे एट मोस्ट का क्या मतलब होता है? एट मोस्ट का मतलब होता है उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम बस उतना, और उससे पीछे कहां तक आना होता है? जीरो तक आना होता है। तो जीरो को हम मिस कर देते हैं, नो हेड हम लेंगे नहीं, वो गलत हो जाएगा। यहां पर देखें एट मोस्ट टू हेड्स, यानी दो हेड वाला भी आपका फेवरेबल है। एट मोस्ट टू हेड्स यानी वन टू थ्री, ये तीन आउटकम भी आपके फेवरेबल है, ये आपको लेने हैं। फिर इसके पीछे वन हेड, वो भी आपका फेवरेबल है, वन हेड वाला भी आपका फेवरेबल है, और उसके पीछे नो हेड वाला भी आपका फेवरेबल है। तो एट मोस्ट टू हेड का मतलब हो गया थ्री हेड नहीं लेने आपने बस। जब थ्री हेड नहीं लेने, बाकी सब फेवरेबल है। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन हमें आता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल, एक ही आउटकम यहां छूटा, बाकी सब लेने हैं। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 7/8। तो यहां पर जो इसने दे रखा है इट इज द सी पार्ट। आई होप आज के 10 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहां पर मैथ्स का कुछ सिलेबस है, तो मेरे एंड से जितना हो सकेगा मैं आपको करवाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके मैथ्स का सिलेबस क्या है, तो मैं कोशिश करूंगा एक क्वालिटी कॉन्टेंट आप तक पहुंचाऊं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड टेक केयर।